अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद शफीक, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शफीक राजपूत। तो अल्लाह पाक के करम से आज का व्लॉग शुरू करते हैं, तो इंशाल्लाह होप आप ये व्लॉग एंजॉय करेंगे। तो जी हम अब पहुंच चुके हैं नाश्ता करने के लिए सूर्या रेस्टोरेंट में। मेरे साथ तारक और अब्दुलरज़ाक भी हैं, हम अभी सूर्या रेस्टोरेंट में बैठे हैं, इंशाल्लाह नाश्ता करेंगे। उसके बाद जो भी नाश्ता आएगा, जो भी हम नाश्ते में ऑर्डर करेंगे, इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के मुकम्मल गाइड करेंगे जहाँ पे फॉरेनर के लिए क्या चीज़ खाने को मिलती है साउथ सूडान में। जो फॉरेनर के लिए यहाँ पे सूर्या रेस्टोरेंट में मिलता है उसका मेन्यू आपको दिखा देते हैं। ये मेन्यू है इसका। तो हम पूछ रहे हैं मीट मंदी के लिए अगर मिल जाए तो, अगर नहीं मिले तो फिर और कोई चीज़ ट्राई करेंगे। और यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह है, जो भी आपने लेना हो यहाँ पे अवेलेबल होगा ये सब चीज़ों में। लेकिन यहाँ पे 10 बजे अभी टाइम हो चुका है, 11 बजे के बाद मीट मंदी मिलता है, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं मीट मंदी मिल जाए तो इंशाल्लाह वीडियो में आप देखेंगे क्या खाएंगे क्या नहीं। तो पानी आ चुका है, पानी हम अभी ट्राई करेंगे, पानी पियेंगे और इंशाल्लाह आपको रिव्यू कराते रहेंगे। सूप आ चुका है जी, तो मंदी भी आ जाएगी इंशाल्लाह। ये मोहम्मद तारक है, अब्दुलरज़ाक, मोहम्मद अरशद, और मैं भी आपको अपना व्यू भी दिखा देता हूँ मैं कैसा हूँ। और जी मैं मोहम्मद शफीक राजपूत, और ये भी राजपूत ही है, वो नहीं कि ये राजपूत नहीं है। तो जी फाइनली मंदी आ चुकी है, ये मंदी है। तो मोहम्मद तारक बेताब बैठे हैं खाने के लिए, बिल्कुल यार क्या करें। और अब्दुलरज़ाक भी कह रहे हैं बस वेट बहुत ज़्यादा कर लिया है। मोहम्मद अरशद तो बस अफसोस में ही बैठे हैं कि मंदी इतनी देर क्यों लगा दी, मंदी आने आने में इतनी देर हो चुकी है। चलो एंजॉय करते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद आपको रिव्यू करेंगे कैसी थी मंदी। तो उसके बाद अभी हमने टूट पड़ना है मंदी पर, टूट पड़ेंगे इंशाल्लाह। मंदी अब हमने खा ली है, अच्छी थी मंदी, अच्छी बनाई थी। तो अभी बिल आ चुका है, बिल देखते हैं कितना है। बिल आया जी 9,350 रुपए, यहाँ के पाउंड है तो इनका तकरीबन बनता है $20 से ऊपर। ये जी यहाँ के पाउंड है, तो ये अगर 45,000 पाउंड हो तो $100 बनता है। हमारे पास बिल है जो आया है वो 9,350 पाउंड का है। तो अब हम आए हैं कद कराने के लिए, तारक साहब कद करा रहे हैं, तो देखते हैं अभी। बाल नहीं काटने इनके लिए, तारक ने अब खत करवा ली है तो अभी मैं खत करवाऊंगा, और अब मैंने भी खत करवा ली है तो इंशाल्लाह वीडियो में आप अभी भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे। तो आज का ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगा होगा हम उम्मीद करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर